ममता बनर्जी देखते रणहुंकार बीजेपी विरोध में एकाठी लड़ापी परिवार ही लड़ापी ममता बनर्जी आज स्पष्ट कर बिहार रे बिहार रो पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बिहार आरजेडी रो मुख्य लालू प्रसाद यादव तांको धर्मपत्नी राबिड़ी देवी एवं तेज प्रताप यादव सहित भेटी करी ममता बनर्जी कहते किसी एभली कथा आहते जे बीजेपी विरोध में लड़बार समय बिहार का जो मधुबनी है बिहार को जो नालंदा है बिहार का जो मिठाई है हम इसको बहुत पसंद करते हैं और लालू जी को हम बहुत इज्जत करते हैं। मधुबनी का साथ राबड़ी देवी का साथ तेजस्वी का साथ लालू जी का शौक थोड़ा सा दूर हम मीट करके बहुत खुश हुए हैं इसी के लिए कि लालू जी देश में एक बहुत सीनियर लीडर है। बेचारा बहुत दिन जेल में उसको भेजा हॉस्पिटल में थे उसका तबीयत ठीक नहीं था हम लोगों ने बहुत दुखी थे आज उसको देख के हमारा बहुत हम खुश हुआ है और आज देख के बात करके हमको ये लगा लालू जी अभी भी बहुत तगड़ा है और बीजेपी का खिलाफ में अच्छा से लड़ सकता है। ममता कहवा कथा आम परिवार ही लड़बू आसंता काली एक बैठक बसवाक जाऊँगी जो बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी मुख्य एवं सहित अन्य विरोधी दलों सहित आलोचना तेरे कालीर होगा आलोचना उपरे बेसी किछि ममता बनर्जी प्रकाश नकरी केवल एति जे समय आसी बीजेपी विरोध में लड़े जारी करने दिल्ली में जो भाव बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी विरोध में एक भयंकर स्थिति सृष्टि ऑर्डिनेंस आनी हैरान करने को चेष्टा कर लोकतंत्र जो भाव में विपद अच्छी यह विरोध में एवं साथी हो लड़बार समय आसी। अपरपक्षे बिहार रो पूर्वतन डेप्युटी सीएम सुशील मोदी कहते जे नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चैलेंज करिवार ताकत आरजेडी पाखरे नहीं। लालू यादव एक जमाना था जब बिहार के अंदर 150 सीट जीते थे बाद में घटकर 22 पर पहुंच गए तो इसलिए देखिए वो एक अब लालू यादव में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है कैंपेन करने की क्षमता नहीं बची है। और नीतीश जी का क्या हाल है 115 एमएलए थे उनके 2010 में आज घटकर 44 हो गए तो उनका जो आभा मंडल है उसकी चमक खत्म हो गई है वोट ट्रांसफर की क्षमता खत्म हो गई है। ये सारे लोग भ्रष्टाचार के जो मुकदमे चल रहे हैं कांग्रेस आरजेडी और बाकी तो इनको डर है कि नरेंद्र मोदी लौट कर आ गए तो कोई बचेगा नहीं जेल चला जाएगा तो जेल जाने के डर से एक हो रहे हैं। तेज देखा बाकी रहा बीजेपी विरोध में साधारण निर्वाचन पूर्व जो विरोधी एवं मेट करने को बसी दूरफलप्रद होती। रिपोर्ट प्रदीप टीवी।